आज का दिन एक इम्पोर्टेंट दिन है और आज मैं अपने दर्शकों को एक नई चीज से रूबरू कराने जा रहा हूँ। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी से दारुल उलूम ताजुल मसाजिद पूरे आलम इस्लाम में बहुत फेमस है, पूरे वर्ल्ड में भी। और आज जो मैं चीज़ आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये दारुल उलूम ताजुल मसाजिद का ये पूरा मीनारा है, उसके बैक में मैं खड़ा हूँ। और आज क्या है, इस कैंप के अंदर जो है मस्जिद के बैक साइड में हॉस्टल, न्यू बॉयज हॉस्टल का तामीर हो रहा है, कुछ काम हो चुका है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के मैं आज यहाँ पे आया हूँ। और आज के डेट में मदारिस को हॉस्टल की बहुत ज़रूरत पड़ती है, छोटा हो या बड़ा हो, जिस तरह से भी हो, इदारे में तलबा के लिए हॉस्टल चाहिए। ये पूरा जो हॉस्टल बना है दारुल उलूम ताजुल मसाजिद के कैंप के अंदर, और काम अधूरा पड़ा है क्योंकि 1.5 साल से कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल के अंदर कैसे हालात हुए आप सबको पता है, लेकिन इस हॉस्टल की जरूरत क्या थी, इसकी लागत में कितना पैसा खर्च हुआ, काम क्यों रुका पड़ा है और इतना लंबा अरसा क्यों गुजर गया कि तलबा के लिए यह काम नहीं हो पाया है। हमारे साथ आज यहाँ के जिम्मेदार एहसान साहब हैं और यहाँ के जिम्मेदार भी हैं, मोहतबिम भी हैं। हम उन्हीं से जानना चाहेंगे कि इसमें दिक्कतें क्या हो रही है। सर, आपका खैर मुकदम है बर्बाद न्यूज के अंदर। ये जो हॉस्टल का काम रुका पड़ा है, क्यों रुका है और कब से चालू हो रहा था, क्या दिक्कतें आ रही है आज के डेट में? देखिए, दारुल उलूम ताजुल मसाजिद एक बहुत बड़ा इदारा है मध्य प्रदेश, वस्त हिंद का नदवा है, हिंदुस्तान के बीच में नदवा है। और ये बिलानस दारुल उलूम उलमा लखनऊ की, और इसलिए बहुत बड़ा कैंपस है। तकरीबन ये 18-19 एकड़ पर मुश्तमिल है और बहुत जगह हैं, लेकिन क्योंकि तलबा की तादाद इतनी ज़्यादा होती चली जा रही है कि हमें एक हॉस्टल बनाना पड़ा जिसमें पूरी सुविधाएं और ज़रूरतें मौजूद हों। और क्योंकि दारुल उलूम में जो भी काम होता है वो दुनिया का सबसे बड़ा काम होता है, इस बात का लिहाज हम हमेशा रखते हैं। मेरी ज़ाती राय है कि ये जो हमारी बोर्डिंग बन रही है या सकनतुल्लाह जदीद, ये गोया हिंदुस्तान के मदरसों में भी इसका नमूना नहीं है और यूनिवर्सिटियों में और इंस्टीट्यूशंस में भी इसका नमूना नहीं है। बहुत ज़्यादा पैमाने पे, बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत कुशादा अंदाज से कि बच्चे जब इतने अच्छे माहौल में रहेंगे तो इतनी ही अच्छी इनकी तालीम होगी और इतनी ही काबिलियत से निकलेगी वो। तो ये इस बोर्डिंग के काम को तकरीबन 4 साल पहले शुरू किया गया था। हम अपने जो खानका है मुजद्दिदिया पीर दरवाजे में, पीर नंद मियाँ साहब जो हम लोगों के बड़े बुजुर्ग हैं और हम सब अकीदत रखते हैं, और हमारे वालिद जो मौसी दारुल उलूम में बानी हैं वो उनके भी शेख थे। वो हमारे दिल में, वो पूरे भोपाल वाले दिल में, वो पूरे हिंदुस्तान में बड़ा एहतराम है उनका। तो उनके बेटे हैं, एक ज़माने में वो जिम्मेदार रहे माशाल्लाह यहाँ के। तो उन्होंने इस बोर्डिंग को शुरू किया था और लोगों को ये तवक्को थी कि चूँकि इससे हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह का नाम जुड़ा है और पीर सैयद मियां साहब का नाम जुड़ा है तो ये काम बहुत आसानी से होता चला जाएगा और कोई रुकावट नहीं होगी। लेकिन क्योंकि वो कोरोना काल आ गया, इस मुसीबत की वजह से काम रुका और परेशानी हुई। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो मस्जिद में जो गैलरी में कमरे हैं उनमें हम क्लासेज लगाना चाहते हैं, और अभी फ़िलहाल वक्ती तौर पे वो बोर्डिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रही है। तो अगर बोर्डिंग की बन जाएगी तो वो हमारे क्लासेज आसानी से लगेंगे और मस्जिद जो है मेन, इसमें हिप और किरत होगी। वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह की वसीयत थी कि तालीम हर हाल में मस्जिद में रहे, किसी ने भी मस्जिद से ले जाने की कोशिश की तो वो मस्जिद का और दारुल उलूम का दुश्मन होगा जो ऐसी प्लानिंग करेगा या सोचेगा। तो हम लोगों को इसकी फिक्र है। और अभी हिफ्ज़ की क्लास भी, मकतब भी, अरबी भी सब मस्जिद में लगता है। मस्जिद जो है बहुत बड़ी है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये गैलरीज में कपड़े बने हैं इनमें क्लासेज लग जाएँ और मस्जिद में गोया हिफ्ज़ और तजवीद की तालीम हो। तो इसके लिए इस बोर्डिंग को जल्द से जल्द पूरा होना ज़रूरी है। क्या रुकावटें पैदा हो रही हैं आज के डेट में, जो काम बंद है सालों से? जी, इसकी रुकावट यह है कि गोया आमदनी नहीं हो रही कि जिससे हम इसको पूरा कर सकें, बल्कि हमें तो खुद इसको इदारे को चलाने में दुश्वारियाँ आ रही हैं। हमारे असातिज़ा को तनख्वाह हम जो है बेसिक दे रहे हैं, बाद असातिज़ा जो गैर मुस्तकिल हैं उनको निस्फ बेसिक दे रहे हैं, किराएदार हमारा किराया नहीं दे रहे हैं,
और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वक्फ बोर्ड में जो नए एडमिनिस्ट्रेशन है बड़े भले आदमी हैं वो, उन्होंने कहा कि हम सब करा देंगे आपका काम और हम लोग तो कौमे हैं कि हम गरीब हो जाएगा तो अगर आमदनी हो जाए तो अरे साहब अलहमदुल्ला अली ने एक ऐसा अजीब शान इदारा कायम किया है और आमदनी का ऐसा बड़ा जरिया दिया है कि शायद हिंदुस्तान में कोई दीनी इदारा बल्कि दुनिया भी इदारा भी इसके मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल राजी दुश्वारी है। अभी जितना भी काम हुआ है जितने प्रतिशत काम हुए हैं तकरीबन कितना खर्च आया वहाँ? तकरीबन 4 करोड़ रुपये खर्च हो गए हैं। हमारा मंसूबा 6 करोड़ का था लेकिन क्योंकि ताखिर होने से अब ये 9 करोड़ का हो गया है, तो इसमें से 4-4.5 करोड़ हमारे खर्च हो चुके हैं। और हमारी चाहत और ख्वाहिश है कि कोई एक ऐसा फर्द पैदा हो, कतर के लोग हो सकते हैं क्योंकि कतर के लोग हमेशा मेहरबान है हमारे ऊपर और हमारे। अच्छा, कतर के जिक्र आया तो आपके बैनर के अंदर दो पिक्चर लगा है जी, एक ताज मसाजिद का मेन गेट है और दूसरा कुछ अरबी का इबारत है कतर के मैडम के लिए जी हाँ। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं वहाँ पे? जी हाँ, असल में जब ताजमहल की तामीर का काम हुआ तो वाले साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो सऊदी सफीर को बुलाया कि वो रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो रहा है तो तशरीफ लाए, आए वो तो उन्होंने दरख्वास्त पेश की कि मेरा जी चाहता है कि हमने दरवाजे की तामीर तो तकरीबन कर ली है, हम चाहते हैं कि कोई इसकी पूरी रकम दे दे और हम उसका नाम उसका कुंदा करा दें और इस पैसे से हम दूसरा काम कर लें। तो उस वक्त तो नहीं हो सका, लेकिन जब वाले साहब ने मुझे दुबई भेजा तो शेखा मरियम जो गया शेख राशिद की बेटी हैं और कतर के जो बादशाह थे शेख अहमद बिन अली आल सानी उनकी जो मोहतरमा थी, तो उन्होंने उनको जब बताया कि एक औरत ने इतना अजीम शान काम किया है, वो ऐसी औरत है कि उस जैसी औरत पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। 3-4 काम शाहजहां बेगम के ऐसे हैं कि लोग सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले तो ताजिर मसाजिद इतनी बड़ी मस्जिद बनाई कि दुनिया में कोई मस्जिद इसके बराबर नहीं है। पुराने अंदाज की जो मस्जिदें पत्थर की बनती थी, उस पर जाना चाहूंगा मैं जी, इसी मुद्दे पे आते हैं कतर के मुद्दे पे जी हाँ। तो जब उनको ये पैगाम हमने दिया कि हम ऐसा चाहते हैं तो उन्होंने बहुत बड़ी रकम दी, उस रकम को हमने गोया अपने दीगर कामों में खर्च कर लिया, जो हमारी मस्जिद की छतें मुकम्मल नहीं हो पा रही थी वो कर लिया और वहाँ उनका नाम कुंदा करा दिया कि गोया ये दरवाजा उन्होंने बनाया गया, उन्होंने बनाया, उसके बदले आपको पूरे पेमेंट किया, उन्होंने पेमेंट किया। तो अब ऐसे ही हम चाहते हैं कि जो हमारी बोर्डिंग है इसका पेमेंट शेख तमीम सुमू शेख तमीम जो है कोई भी जी हाँ जी हाँ, यानी कतर के लोगों में से अल अमीरुल वालिद जो हैं वो उनकी अहलिया हैं सुमू अमीरा अल वालिदा वो हैं या सुमू शेख तमीम की अहलिया हैं या इन सब लोगों ने तो मदद की है। बुरुनाई जो एक बड़ी ममलिकत है और जो अल्लाह ने उसको बहुत नवाजा है, बड़ी मालो दौलत उसके पास है, तो हम चाहते हैं कि जो वहाँ के बादशाह हैं उनकी अहलिया मुहतरमा अगर इसको गोद ले लें और इसकी हमारी 9 करोड़ की कीमत अदा कर दें तो हम इससे जो हमारे 50 काम रुके पड़े हैं और बड़ी परेशानी में हम हैं वो सफल हो जाएंगे और इनका नाम हम यहाँ कुंदा करेंगे। इसके अंदर जब हॉस्टल बन के तैयार हो जाएगा तो कितने तलबा रह सकते हैं इसके अंदर? इसमें आराम से अगर हम रखेंगे तो 300 बच्चे और अगर मजबूरी में जरूरत हुई तो 500 भी रह सकते हैं। इतना बड़ा अजीब अंदाज से बना है ये, इसमें तकरीबन 4 मंजिलें हो गई हैं, एक मंजिल नीचे है यहाँ जाते हैं नीचे है वो और 3 ऊपर हैं, तो बहुत बड़ी जगह है माशाल्लाह और वो हमारा पूरा काम चल पड़ेगा और खुदा की दया से उम्मीद है कि जो लोग ये तवज्जो फरमाएंगे अगर तो हमारा काम हो जाएगा और ये रुकावटें दूर होंगी और दोबारा कर सकते हैं। अब मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अंदर जो हॉस्टल बना हुआ है हम दर्शक को दिखाना चाहते हैं कि किस तरह का बना है और मेरे कैमरामैन भाई इस पोस्टर को आप जरा सा ठहर के पूरा लीजिए पूरा दोस्त सीन को हाँ, क्योंकि लोग देखेंगे पूरा डिटेल लिखा हुआ इसके अंदर है ताकि लोग जो है कुछ सहायता करना चाहें और मदद करना चाहें तो वो कर सकते हैं जी। तो अब मैं अपने दर्शकों को हॉस्टल का जो पूरा अंदर का जो सिस्टम है किस तरह बनाया गया है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये है पूरा 4 मंजिला बिल्डिंग बनने को, बल्कि काम चल रहा है लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से काम रुका पड़ा है जी मोड़ा। तो ये आपका पूरा काम यहाँ चल रहा है, पत्थर वगैरह भी लग चुका है जी हाँ। अभी अंदाजा है कि ये वाली मंजिल जो है ये कुछ थोड़े खर्च से पूरी हो जाए तो कम से कम इस मंजिल को हम इस्तेमाल कर लें और 3 को फिर बाद में कर लें, लेकिन ये
अगर खुद अपने अपने मुल्क में भी बड़े बड़े माशाल्लाह मालदार हैं और बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते हैं। जापान जब मैं जापान गया तो बताया उन्होंने कि जो बहुत अहम मस्जिद है वो हिंदुस्तान के ताजरों ने बनाई, तो अपने यहाँ के लोग भी बहुत सखी है माशाल्लाह। ये है हॉस्टल का जो मेन सेंटर पॉइंट है, गैलरी है, चारों तरफ गैलरी है यहाँ पे और पाँच पाँच छः छः छोटे छोटे हॉल बने हैं और हॉस्टल का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हैं कि हॉस्टल का बैग तालाब है और इसके भी एक कहानी है जी। तो मौलाना जो हॉस्टल के पीछे तालाब है इसके पीछे कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है कि सामने एकदम जो महल है वो सामने जो एकदम महल है वो ताजमहल कहलाता है जी। ये शाहजहां बेगम का रहने का रेसिडेंस का घर था जी। तो अब बीच में तालाब है, इसको वो ताजुल मसाजिद का होद बनाना चाहती थी। शिमाली दालान से लीने उतरते और सब तीनों चारों तरफ फैलते तो 2000 लोग एक वक्त में वजू कर सकते थे, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ताजुल मसाजिद की हर चीज़ ऐसी होती है जो दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन उनका इंतकाल हो गया 1901 में अचानक और उनको कैंसर था, तो उसके बाद उनके जो आने वाले वाली वारिस थे वो उनको कोई दिलचस्पी ताजुल मसाजिद से नहीं थी। और इसके सामने दूसरी तरफ ये तो हो गया आप कहें शिमाल और ये हो गया मगरिब। मगरिब में जो एक गुंबद दिख रहा है इसका नाम है बेनजीर। ये शाहजहां बेगम का सेक्रेटेरिएट था जो अंदरी से तशरीफ लाती थी और उनकी तमन्ना थी कि जल्दी से ताजुल मसाजिद पूरी हो तो मैं नमाज अदा करूँ, लेकिन वो उनके ज़माने में कम्प्लीट नहीं हो सकती। तो ये पिछवाड़ा है हमारे इसका, वो बहुत प्यारी हवाएँ आती हैं और तलबा को बहुत सुकून और राहत मिलेगा और जो इसमें शरीक होगा वो बहुत बड़े सवाब हासिल करने का जरिया बनेगा उसके लिए जी जी। और दायरे के तलबा को जब राहत सुकून और बेहतरीन मौसम मिलेगा तो उनका ज़हनी नशोनुमा भी बढ़ेगा और जो तालीम हासिल कर रहे हैं वो सही तरह हासिल करके और वो कौम और उम्मत के लिए। तो ये थी दारुल उलूम ताज मस्जिद के बैक साइड का जो हॉस्टल बन रहा है फ्रंट और बैक का जो मैंने आपको सीन दिखाया। दोस्तों हर इदारे को हॉस्टल चाहिए और ऐसे हॉस्टल से तलबा के अंदर तालीमी शोर पैदा होता है, रहने सहने का निज़ाम अच्छा होता है तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें बदलाव आता है। मैं अपने दर्शक और आम जनता से आम नागरिक से अपील करना चाहता हूं कि इस हॉस्टल के तामीर में हिस्सा लें, बढ़ चढ़ कर जितना हो सके। पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं दारुल उलूम ताज मस्जिद के नाम से फेमस साइट भी बना हुआ है, आप वहां जाएं, कॉन्टेक्ट पर्सन से बात करें और जो भी ताउन करना चाहते हैं आप ताउन कर सकते हैं ताकि इस उम्मत के लिए ये हॉस्टल का काम आगे बढ़े और नौनिहाले वतन हमारे बच्चे पढ़े लिखे। इन्हीं सब बातों के लिए मैं एम एन सफ्तर खान, परबत न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।